घायलों से मिलने पहुंचे कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। सारंगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल रोड में मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए बरमकेला स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें देखने के लिए कलेक्टर धर्मेश साहू, SDM जिला स्वास्थ्य अधिकारी BMO बरमकेला, थाना प्रभारी बरमकेला पहुंचकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सारंगढ़ के बरमकेला क्षेत्र के जंगल रोड में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी है। सभी मजदूर खैर झिटी गांव के बताए जा रहे हैं। सभी मजदूरी करने के लिए सारंगढ़ जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। आज वो जो एक दुर्घटना की सूचना मिली थी, तो उनका जो ट्रीटमेंट की स्थिति देखने के लिए यहाँ पर विजिट किया हूँ। लगभग 21 प्रभावित है, जिसमें से एक डेथ है और 6 जो है सीरियस जो रायगढ़ भेजा गया है, बाकी लोग का यहाँ इलाज हो रहा है। तो इलाज की स्थिति देखने के लिए आया था। संतोषजनक है। और अगर कहीं पर कुछ बॉटल नेक होगा, कुछ ये होगा, तो उसको ठीक करेंगे। अभी तक तो जो मैंने देखा है सब ठीक है। और यहाँ के जो हॉस्पिटल की क्षमता अनुसार यहाँ पर मरीजों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो स्थिति ठीक है। करीब 8:30 से 9 बजे के मध्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला में 21 लोग अचानक घायल होकर यहाँ पर पहुँचे। बाद में पता करने पर यह पता चला कि जंगल के आसपास, बरमकेला के पास जो निकट जंगल है, वहाँ पर पिकअप का पलटी हुआ है। उसमें 21 लोग सवार थे, सभी सारंगढ़ के रहने वाले हैं, सारंगढ़ ब्लॉक के, जिसमें से एक व्यक्ति का वहीं पर उसी जगह पर मृत्यु हो गया था। उसको ब्रॉड डेथ अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला लेकर आए थे। बाकी जो 20 लोग थे, उसमें से 6 लोग गंभीर अवस्था में थे, जिनको रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। और बाकी जो 14 लोग हैं, उनका इलाज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला में चालू है। बाकी लोगों की स्थिति अभी सामान्य है। 14 लोगों रायगढ़ में वहाँ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर से बात हुई है, वो पेशेंट वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर उनका इलाज जारी है। उसके बाद वो लोग सूचित करेंगे हमको कि वहाँ क्या स्थिति है। सारंगढ़ से 21 मजदूरों को लेकर एक पिकअप बरमकेला की ओर जा रही थी। बरमकेला मार्ग में फॉरेस्ट बैरियर और चाटीपाली मंदिर के मध्य में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 जो है मजदूर घायल हुए हैं, और जिनमें से तुरंत जो है थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचा गया। तत्काल उनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया। साथ ही साथ इसमें जो 8 घायल थे, उनको मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रिफर किया गया है। 12 लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। कितने लोग गाड़ी में सवार थे और किसके काम करने के लिए आ रहे थे और कौन था ठेकेदार, सब कुछ जानकारी मिली? इस सारंगढ़ क्षेत्र के ही लेंद्रा के ठेकेदार थे, ये जानकारी मिली है, और भवन निर्माण कार्य से आ रहे थे। विस्तृत जानकारी ली जा रही है। गाड़ी चालक और ठेकेदार कार्रवाई है वो थाना प्रभारी द्वारा की जाएगी। बरमकेला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।